बागपत में आज आरएलडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। आरएलडी के क्षेत्रीय प्रेस प्रवक्ता अरुण तोमर ने कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी विधायक ने किसानों के साथ मारपीट और धरना स्थल पर जाकर अपना अपमान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक ने गृह मंत्री को एक लेटर लिखा है जिसमें किसानों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उसी पत्र को आधार बनाते हुए गृह मंत्री को चाहिए कि तत्काल विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। साथ ही आरएलडी प्रवक्ता ने कहा कि कल जो सिंघु बॉर्डर पर घटनाक्रम हुआ वह बीजेपी की सोचा समझा सुनियोजित कार्यक्रम था। साथ ही आरएलडी प्रेस प्रवक्ता ने घोषणा की कि प्रदेश के हर धरने को अब पार्टी का समर्थन है और जहां किसानों को परेशान किया जाएगा आरएलडी उनके समर्थन में खड़ी होकर विरोध करेगी। दरअसल राकेश टिकैत के साथ हुई घटनाक्रम के बाद आरएलडी को भी मुद्दा मिल गया है। जिस तरह से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने किसान मामले पर गृह मंत्री को पत्र लिखा और अपना वीडियो बयान जारी करते हुए गाजीपुर बॉर्डर खाली कराने की बात कही, उससे विपक्ष सहित आरएलडी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और उसी को आधार बनाकर आरएलडी अब बीजेपी पर हमलावर हो रही है। आज आरएलडी के क्षेत्रीय प्रेस प्रवक्ता ने कॉन्फ्रेंस करते हुए गृह मंत्री से बीजेपी विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी करने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने मांग की कि बीजेपी अब धरनारत किसानों को आश्वस्त करे कि उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं की जाएगी। परसों 27 तारीख में गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान बहुत शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, उस धरने में भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक अपने कुछ गुंडों को साथ लेकर और शांतिपूर्वक धरना दे रहे किसानों पर जाकर हमला किया, उनके साथ मारपीट की और उसके बाद में एक विधायक देश के गृह मंत्री को एक पत्र लिखता है। उस पत्र की जो भाषा है वो अमर्यादित असंवैधानिक है। उसके बावजूद भी देश के गृह मंत्री उस लेटर का संज्ञान नहीं ले रहे, उस लेटर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आज अपने विधायकों के रूप में, अपने कार्यकर्ताओं के रूप में देश में गुंडागर्दी पैदा करना चाहती है? राष्ट्रीय लोकदल ऐसे विधायक को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करता है और देश के गृह मंत्री को इस पे तुरंत संज्ञान लेकर उसे गिरफ्तार कराए, मुकदमा लिखवाए और उसके साथ साथ जो किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं उनसे माफी मांगे और जिम्मेदारी ले इस चीज की कि आने वाले समय में हम ऐसा किसी से भी नहीं होने देंगे। कल गाजीपुर बॉर्डर के बाद में सिंधु बॉर्डर पर ऐसा ही हमला हुआ, ऐसे लोग भेजे गए। जो ये माहौल खराब किया जा रहा है, तो जो किसान शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं उनके धैर्य की परीक्षा क्यों ले रही है भारतीय जनता पार्टी? क्यों ऐसा माहौल तैयार करने पर तुली हुई है कि जिससे देश में अराजकता फैले? इसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है, हरियाणा सरकार की है और केंद्र सरकार की है। इन सरकारों को अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए आज सरकार देश की सरकार है, वो न कि केवल भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की, तो उन्हें अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए